अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंज़माम उल हक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वो पाकिस्तान के प्रोफेशनल क्रिकेट कोच भी रहे। वो एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। वो वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट के मैदानों में 20,000 रन बनाने वाले। वो 2003 तक पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान थे। एक शानदार बल्लेबाज थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इंज़माम उल हक की बेटी की शादी के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़माम उल हक की बेटी और मलिक मोहसिन मसूद की शादी की तकरीब लाहौर में हुई थी, जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ियों समेत अहम शख्सियात भी शरीक थे। इंज़माम उल हक की साहबजादी की शादी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, शोएब अख्तर और वकार यूनिस और साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी भी शादी में मौजूद थे। इन सब ने इंज़माम उल हक को मुबारकबाद पेश की। इंज़माम उल हक की बेटी का निकाह पहले ही हो चुका था और 19 नवंबर को दावत वलीमा मनाया गया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत तरीके पर अमल करते हुए इंज़माम उल हक ने अपनी बेटी को रुख्सत कर दिया। इंज़माम उल हक की बेटी की सादगी वाली रुख्सती देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताते चलें कि 14 नवंबर को सरगोधा में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़माम उल हक की बेटी की मेहंदी की तकरीब हुई थी। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जोड़े को खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह ताला हर मुसलमान की बेटी को ऐसी खुशियां अता फरमाए, आमीन। और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।